अस्सलाम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहो। बस भाभी, मैं अगले हफ्ते ही निकाह खुआ को लेकर आ रहा हूँ। हाँ लेकिन वो भाभी, अहमर कहाँ गया? वो उसका फोन आया था, वही सुनने गया है। अरे भाई सनी, अब खुशी का मौका है, सबका मुंह मीठा कराओ और देखो अहमर कहाँ है, ढूंढो उसे भी, उसका भी मुंह मीठा कराओ। मुर्तजा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं पहले अहमर और असार से मशवरा कर लूँ, निकाह की डेट बाद में फाइनल कर लेंगे। ठीक है भाभी, जैसा आपको मुनासिब लगे। हाँ मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। आप बाहर आ गए, आप मिठाई नहीं खाएंगे? मैं मिठाई खाता हूँ। सनिया, पहले मुझे एक बात बताएं, आप इस रिश्ते से खुश तो हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि माजी में जो कुछ भी हुआ वो शायद किस्मत में था, लेकिन उस सब को लेकर आपके दिल में कोई रंजिश तो नहीं है? देखें, हमारी फैमिली एक नई तर्ज से जुड़ने जा रही है और मैं नहीं चाहता कि नए रिश्ते की बुनियाद में कहीं भी कोई रंजिश, कोई कीना बसी हो। शादी ब्याह जैसा ताल्लुक तहयात होता है और ये कीना, रंजिश, मुनाफकत, ये सब चीज़ें रिश्तों को तबाह बर्बाद कर देती हैं, आबाद नहीं करती। खराबी मेरी तरफ से पैदा नहीं होगी, इतना यकीन रखें। और रंजिश अगर है भी तो इससे कोई और मुतासर नहीं होगा। आप ये खाएं, बहन की खुशी आपको बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अरे मैं तो वहां अनाया का सदका निकालती रह गई और यहां यहां तो मिठाइयां भी बट गईं। अहमर, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मेरा इंतजार तक करना मुनासिब नहीं समझा। नहीं रहमा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, कहां रह गई थी तुम? बल्कि मुझे तुमसे एक बात भी पूछनी थी कि वो निकाह की डेट कौन सी बेहतर रहेगी। आओ।